वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में लीजी। क्लास 11 हम लोग ग्रेविटेशन पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। इस नए वीडियो में ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? पोटेंशियल यूँ तो डिफाइंड ही नहीं है फिजिक्स में। पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है। करंट किसी वायर में बह रही है ए टू बी, तो करंट बहती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो ए से बी का पोटेंशियल कम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात क्या है? तो मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्रेविटेशन टॉपिक है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच में जैसे चार्ज मूव कराया जाता था तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता था, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यही यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे कि अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक मास को मूव कराते हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट ले जाता है, तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन पर यूनिट मास है उन दोनों पॉइंट के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कोई रॉकेट सन की तरफ छोड़ा गया है तो अर्थ से कितनी डिस्टेंस जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़ीरो होगा। सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट में क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आज। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो आपका सब्सक्रिप्शन एक बहुत प्रोत्साहन का काम करता है वीडियो बनाने में। तो जैसा कि मैंने देखा कि पहले हम लोग चर्चा करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो मान लिया अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लिया पी, और इस पर यहाँ पर एक पॉइंट है पी, यहाँ मान लिया पी डैश, ठीक है। इस पर से हम एक मास m को उठा कर यहाँ लाएं तो एक्सटर्नल एजेंट कोई काम करना पड़ेगा ना इसको यहाँ से p डैश से p तक लाने में। वही वर्क डन जो होगा वो पर यूनिट मास कहलाता है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। और कैसे याद रखना होता है कि देखिए वर्क डन जो है वो कहाँ से कहाँ तक का, पी डैश से पी का, और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ का होगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि पी से पी डैश का। इसको हम ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं वी पी माइनस वी पी डैश। तो एक तो ये आपको समझना होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए इसको याद करने के लिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो इनिशियल फाइनल तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, होता क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट पर, कोई टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हमें पता लगाना है तो पॉइंट पर भी पोटेंशियल किसी दूसरे पॉइंट के रिलेटिव, उसी के रिस्पेक्ट में ही पता लगाया जाता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइंड है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क डन इन टेकिंग अ मास m फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, देन वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक, वो क्या है, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अगर कोई पूछे नहीं नहीं भाई p पर बताओ पोटेंशियल क्या होगा, तो अब ये मान लिया जाता है कि एक अदर पॉइंट जहाँ पर कोई नोन वैल्यू, आइडियल वैल्यू है पोटेंशियल की, उसको हमें अगर पता हो, और हमें पता है, क्या मानते हैं कि इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो, एनर्जी ज़ीरो। तो अगर हम इस पी डैश पॉइंट को कहाँ मान लें, इन्फिनिटी, तो पी डैश एट इन्फिनिटी, तो वी पी डैश की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। अब अगर हम लिखें तो वी पी माइनस वी पी डैश इक्वल टू डब्लू इन्फिनिटी टू पी, यहाँ पर वी क्या हो गया, इन्फिनिटी अपॉन एम, ये लिखना पड़ेगा ना हमें तब। तो अब
वी इन्फिनिटी तो ज़ीरो है, तो इसलिए वी पी किसके बराबर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटी से कोई मास अगर हम एम ला के रखते हैं पॉइंट पी पर, तो वर्क डन पर यूनिट मास वो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी पर यूनिट मास। हाँ, कैसे डिराइव करेंगे, क्या होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट मास को लाने में किया गया वर्क डन। ठीक, हाँ एक बात इस प्रोसेस में ध्यान रखना चाहिए कि जब वो पॉइंट मास लाया जा रहा है, यूनिट मास को हम ला रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो हम ये ला रहे हैं मास को, वो कैसे लाना चाहिए, वेरी स्लोली। ठीक है, इतना स्लोली कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो, ज़ीरो, तब ये डिफाइंड है ये सारी चीज़ें। हाँ, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास एम अगर हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए अगर कोई मास है एम, ठीक है, इसको यहाँ ला के किसी पॉइंट पी पर हमने रख दिया, ठीक, कितना वर्क डन होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी मास नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई अपोज करने वाला नहीं है, है ना, तो आप जरा सा जेंटल पुश देंगे और यहाँ जब पी पर पहुँचेगा हल्का सा पुश दे के रोक लेंगे, बिल्कुल माइन्यूट नेग्लिजिबल। तो एम मास को सबसे पहले इस पॉइंट पी पे रख दिया, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। ठीक, अब क्या हुआ, वर्क डन इज ज़ीरो यहाँ पर रखने पर। हाँ, अगर इस पर आपने ये जो एम मास रख दिया, इस एम मास की पॉइंट पी की डिस्टेंस है इस पॉइंट मास एम से, जो ये है बिग वन और ये डिस्टेंस है आर, तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। अगर इस पॉइंट पर पहले से ये एम मास रखा होता, तब हम इस एम मास को लाते तो हमें वर्क डन करना पड़ता, क्यों, क्योंकि इसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता, तो हम उस पॉइंट मास को यहाँ से यहाँ तक लाते, कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो पर यूनिट मास होता इस पॉइंट पी पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पढ़ चुके वर्क डन पर यूनिट मास, बस वही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जाता है, उसको कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर मान लिया कि हम पहले जो पॉइंट मास है उसको अगर इस एम से एक्स दूरी पर एक पॉइंट है, सपोज इसका नाम मैं रख देती हूँ पी डैश, ठीक, तो अगर जो पी से पी डैश तक जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को मान लिया जाए, बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट छोटा है लिया, उसकी वैल्यू ले ली गई अगर डी एक्स, तो ये मान के चला जाए कि पी से पी डैश तक अगर डिस्प्लेसमेंट हम इस एम मास को डिस्प्लेस करते हैं और कहाँ ले जाते हैं, अप टू इन्फिनिटी, वो वर्क डन हम कैलकुलेट कर लें। और डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, हमें P पर निकालना है कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो बाय डेफिनेशन क्या है कि इन्फिनिटी से कोई पॉइंट मास आए P पर, वर्क डन पर यूनिट मास निकालो। कर मैं क्या रही हूँ, आप कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम P से इन्फिनिटी तक ले जाएं और जो वर्क डन आए उसका निगेटिव कर दें, दोनों ही प्रोसेस हैं। कई बुक्स में आप ऐसे भी देख सकते हैं, इन्फिनिटी से एम यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन है। और हम और भी क्या कर सकते हैं कि P से इन्फिनिटी तक कैलकुलेट कर लें वर्क डन और निगेटिव कर दें उसका उल्टा, वर्क डन बाय
ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, तो नेट वर्क डन इन क्लोज लूप क्या होता है, जीरो। तो कैसे भी कर सकते हैं, तो चलिए हमने मान लिया कि हम एक पॉइंट मास m को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे और इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा उसका निगेटिव कर देंगे। मान लिया कि p से p डैश तक हमें ले जाना है और ध्यान क्या रखना है कि वेरी स्लोली, बहुत धीमे चलाना है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। अब p पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर p है, इस p पर फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, मास तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होकर इधर आ रहा है, ये तो एफ जी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो एक्सटर्नल एजेंट इस तरफ फोर्स लगाए, है ना, और वो फोर्स माइन्यूटली थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, क्योंकि हमें मास को इस तरफ चलाना है कीपिंग वेलोसिटी स्पीड कॉन्स्टेंट, वो नेग्लिजिबल बड़ा होगा उसके अमाउंट एक्सटर्नल एजेंट से जो लगाया जाने वाला फोर्स है। क्यों? एक्सटर्नल एजेंट इधर फोर्स क्यों लगाएगा, नहीं तो छोड़ देगा, तब तो इधर अट्रैक्ट होता चला आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली आएगी, हमें काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रखनी। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट डी एक्स और एफ एक्सटर्नल दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का? आपको पता है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अगर निकालना है तो हम किसके बराबर निकालेंगे, हमने पढ़ा है वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है ना। तो अगर नेट वर्क डन हमें निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स वेरिएबल है, तो हमें क्या निकालना होगा, वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, ये ऐसे डॉट डी एक्स में एफ और डी एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में कॉस जीरो वन, तो ये इतना हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर से इन्फिनिटी तक, पॉइंट पी से कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक, तो ये लिमिट लगाना आना चाहिए। अब ख़त्म, अगर इतनी सी बात आपको पता है क्या होता है फोर्स, अब आपने रख लिया यहाँ पर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी वो आपको रखना है। तो अब आप देखते हो कि यहाँ पर जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप क्या रखोगे इसकी वैल्यू, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट क्या है, आर टू इन्फिनिटी, वही जी एम एम अप और वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की आर टू इन्फिनिटी, तो कितनी हो जाएगी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स की, याद है एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, क्या आएगी वैल्यू इसकी, माइनस वन बाई एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा जी एम एम, यहाँ माइनस बाहर ले लिया और वन बाई एक्स लगा दिया लिमिट आर टू इन्फिनिटी, तो किसके बाद हो जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी माइनस वन बाई आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या वैल्यू हो जाएगी, जी एम एम अपॉन आर। अब हमारा क्या था पॉइंट, कि हम इस पॉइंट पी से इन्फिनिटी तक जो वर्क डन निकालेंगे उसके आगे माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन तो इन्फिनिटी से पी तक लाने में किया गया काम है, तो हम पी से इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं तो इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी वो कितना होगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट पी वी पी, क्या फॉर्मूला ऊपर पड़ा है, माइनस जी एम एम अपॉन आर, और अपॉन एम तो ये एम से फ्री हो गया। देखा आपने क्या फॉर्मूला आया वी पी का, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। अब आइए देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क जूल, मास केजी, तो जूल पर केजी। हाँ, क्या है उससे रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस से हम निकालें अगर पोटेंशियल, तो कैसे निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया एक वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे मैंने फील्ड और वो निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर उसके हर कॉर्नर पे रखा हुआ है सेम मास m, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड a है और
यहाँ पर मास रखा हुआ है ऐसे, सेंट्रॉइड पर पूछा जा रहा है कि आप बताओ क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पी पर कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये पता लगाने के लिए, अगर देखिए ये अगर साइड पूरी ए है तो ये साइड होगी ए बाई टू, ये 60 एंगल है तो ये कितना होगा 30, है ना। तो हमें यहाँ पर पी पर पोटेंशियल पता लगाना है, तो हमें पी पर पोटेंशियल किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू ईच एम, क्योंकि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सबके लिए सेम होगी, है ना। तो अगर ये डिस्टेंस आर है तो हम कैसे पता लगाएंगे आर की क्या वैल्यू होगी, 3 टाइम्स माइनस जी एम अपॉन आर। अभी हमने देखा था माइनस, ये माइनस साइन, माइनस जी बाई एम, जी एम बाई आर, हर पॉइंट मास एम और हर एक के लिए यहाँ सेंड्रॉयड से एम की डिस्टेंस आर है, तो यही हो गया 3 टाइम्स कर दिया। अब ये आर है कितना, कैसे पता लगाएंगे, पूरी ए है तो ये ए बाई टू है, ये 30 डिग्री है, है ना। तो हम लोग ले लेंगे कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 30, ये बेस अपॉन हाइपोटेनोज, याद रखिएगा ये 90 डिग्री है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी गलतियाँ ना करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए बाई टू आर, है ना। इससे cos 30 कितना होता है, रूट 3/2, तो रूट 3/2 इक्वल टू ए बाई टू आर, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू हो जाएगी a बाय रूट 3, बस वही यहाँ रख दिया गया, तो कितना हो जाएगा माइनस 3√3 जी एम बाय a, ये साइड a अगर दिया और न्यूमेरिकल कोई हो ऐसे रख देते हैं। अगर कोई स्क्वायर है और स्क्वायर के हर कॉर्नर पे उसकी भी साइड अगर ए है और एम मास रखा है, तो ज़रा बताइए कि उसके सेंटर पर, सेंटर क्या होता है, डायगोनल्स जहाँ काटते हैं उस पॉइंट पर, मान लिया ये भी पी है, यहाँ पर कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब आपको क्या होगा, अगर कि ये साइड सारी ए हैं इसमें, तो हमें अगर P से हर M की डिस्टेंस, तो एक M से यहाँ पर अगर मैंने लिख लिया ये R, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए R स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो R क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा रूट 2A, ठीक, और उसका आधा हो जाएगा ये डिस्टेंस, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी A रूट 2 अपॉन 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A बाई रूट 2। ये सब कैलकुलेटेड रहता है, ऑलरेडी पता रहता है, कॉम्पिटिशन्स में ये कैलकुलेट करने मत बैठिए, फटाफट याद होना चाहिए। तो अब अगर हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पर, तो हम क्या लिखेंगे Vp इक्वल टू, तो 4 टाइम्स, तो किसके बराबर होगा पोटेंशियल, माइनस जी एम अपॉन ये डिस्टेंस R, और R की जगह हम लोग क्या रख देंगे A और रूट 2 ऊपर, ये तो होगा। हाँ क्या इतना ही होगा, सोच के देखिए, हाँ इतना ही होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट पी पर इन चारों मास की वजह से जो भी पोटेंशियल है, तो एक मास के पोटेंशियल का 4 टाइम्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पॉइंट मास एम है, इसे 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक छोटा स्मॉल एम पॉइंट मास रखा गया है, एम बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल एम, इस स्मॉल m को उतनी ही डिस्टेंस और आगे ले जाना है फ्रॉम पोजिशन 1 to 2, कितना वर्क डन होगा। क्या पढ़ा है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन का रिलेशन, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v2 माइनस v1 होगा, ये किसके बराबर होगा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पोजिशन 1 to पोजिशन 2 अपॉन मास। इस m को अगर इधर ले आए तो हमारे पास m इंटू वी एट पोजिशन 2 माइनस v एट पोजिशन 1 विल बी इक्वल टू वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम 1 to 2, ठीक। अब आप रख दीजिए यहाँ पर, जो m तो वही मास है, v2 की वैल्यू, अब आप देख रहे हैं v2 यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इसकी, 2 मीटर, क्या फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस जी एम अपॉन 2, है ना, फिर ये माइनस साइन तो यही वाला, और v1 की वैल्यू इसमें कितनी डिस्टेंस है 1 मीटर, और v1 भी होता है माइनस जी एम अपॉन 1, बस आपको माइनस का ध्यान रखना है। क्या आ गया आपके पास, देयरफोर
वर्क फ्रॉम वन टू टू पोजीशन किसके बराबर आ गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस जी एम, जी एम में से ये माइनस जी एम बाई टू, तो कितना हो जाएगा जी एम, और ये जो एम है ये कौन सा एम है, कैपिटल एम है ना, क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट की वजह से इस पर वन पर और टू पर कैलकुलेट किया गया है ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास एम, तो हम लोगों ने इसको देख लिया जी एम एम अपॉन ये जी एम माइनस जी एम बाई टू, कितना बचा जी एम बाई टू, तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि वर्क डन कितना हुआ। फाइनली आइए इस क्वेश्चन में देखिए कि 100 kg की दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं ए एंड बी, उनके बीच की डिस्टेंस सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस है ये 1 meter, ठीक है। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट मिड पॉइंट पी, देखिए मिड पॉइंट पी है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई होगी 0.5 meter एक तरफ, 0.5 meter, और इतनी ही इधर बचेगी 0.5 meter, मतलब डिस्टेंस सेम है, मास दोनों तरफ सेम है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ये, होगी ना, और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पी पर अगर ए की वजह से इस तरफ होगी तो उतनी ही इंटेंसिटी तो इधर होगी क्योंकि डिस्टेंस और मास सेम है, तो नेट इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो। तो ई नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये ई ए है ना, और उस तरफ इंटेंसिटी है ई बी, तो दोनों सेम है, तो हमारे पास ई नेट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो एज पर दिस डायग्राम, ठीक। अब पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, हमने पढ़ा है वी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, है ना। ये जो पोटेंशियल है अगर इस पॉइंट पर इसकी वजह से जितना है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है मास सेम है, तो वो भी इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा माइनस टू जी एम बाई आर, है ना। पोटेंशियल क्यों माइनस टू हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, और ये इंटेंसिटी क्यों कैंसिल हो गई, क्योंकि इधर जितनी थी उतनी ही इधर है, तो नेट पी पर क्या बची, जीरो। अब आप इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू, जी की वैल्यू क्या होती 6.67 इंटू 10 to the power -11, ठीक है। तो आपने वहाँ पे लिख दिया 10 to the power -11 इंटू 100, हर मास 100 kg का है, अपॉन आर, आर कितना है 0.5। बस सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है 2.668 इंटू 10 to the power, आप देखिए माइनस 11 है ये 100 है, 0.5 है यहाँ पर, तो आप 0.5 से 4 डेसिमल हटा के ऊपर बढ़ा सकते हैं, 10 to the power -8 जूल पर केजी। ये तो हो गया ये सवाल। अब देखते हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में अराउंड अर्थ जो घूमते हैं, वो लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं अर्थ की सरफेस से, क्या होता है उस साइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब सवाल में भी यही लिखा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट सेट हाइट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपको पता है V का फार्मूला हम लोगों ने अभी तो पढ़ा, माइनस जी एम अपॉन आर, अब यहाँ पर ये R क्या हो जाएगी, आर ई प्लस एच, है ना। अर्थ की जो ये रेडियस है उस रेडियस से कितनी हाइट पर ये उड़ रहे हैं, ये हाइट है h 36,000, तो ये डिस्टेंस पूरी जो होगी यही तो R होगी, बस यही रखना है आपके पास। इसमें अब वैल्यू कितनी आ गई, माइनस जी 6.67 इंटू 10 to the power -11, है ना, इंटू एम 6 इंटू 10 to the power 24, ठीक, और अपॉन ये आर जो इस आर ई प्लस एच है, तो 36,000 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितनी होती है 6400 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 42
यानी 4.2400 किलोमीटर, सो दिस विल बिकम 4.24 किलोमीटर इंटू 10^7 हो जाएगा ना। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इंटू 10^3 मीटर, और आप उसमें 4.2400 किलोमीटर, तो इतना आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इट कम्स अराउंड 9.43 × 10^6, 10 लाख अराउंड, उससे भी एक 9.43 जूल पर केजी। तो इतना होता है पोटेंशियल उस साइट पर। अब एक रॉकेट है जो सन की ओर लॉन्च किया गया है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन, एट व्हाट पॉइंट ऑन इट्स पाथ इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो। ऑर्बिटल रेडियस रॉकेट की ये दी हुई है 1.5 × 10^m। तो आपको कैसे पता लगाना होता है कि मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो अर्थ से जब सन की तरफ गया है रॉकेट, तो कहीं पर अर्थ से अगर वो एक्स डिस्टेंस पर, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि ये जब तक वो अर्थ से दूरी पर है, ये मास ऑफ सन, मान लिया ये दोनों मास हैं सन और अर्थ के, तो अर्थ से एक्स दूरी पर जाने पर जो सन का पुल है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। वहीं पर तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जीरो। इतनी सी अगर आपने बात सोच ली तो ये पूरी डिस्टेंस दी हुई है आर, ये डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स, तो ये कितनी बची आर माइनस एक्स। अब आप क्या लगा देंगे कि अगर ये है रॉकेट, तो इस रॉकेट पर इसकी वजह से क्या होगा, रॉकेट का अगर मास है एम तो फोर्स क्या होगा, जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, जी मास ऑफ सन मास ऑफ रॉकेट अपॉन ये डिस्टेंस कितनी आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस अब केवल सॉल्व करना बचा, आपके पास ये जी एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, आर माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखिए दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्या हो गया एम एस अपॉन एम ई, और ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे। पहले तो आप देखिए आर माइनस एक्स होल स्क्वायर एम एस अपॉन एम ई लिखेंगे, यही पता लगाना है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ध्यान रखिए इसका रेशियो मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ है वो किसके बराबर होता है, रट लीजिए 577.35 फॉर दीज टू वैल्यूज। अब ख़त्म, आपको r माइनस एक्स में r की वैल्यू रखनी है 1. r माइनस एक्स इक्वल टू 578.35x कर दीजिए, ये x उधर ले गए, r माइनस एक्स था ये 577x हो जाता, एक x इधर हो गया तो 578.35x। इससे बस आप x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास अब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, r अपॉन 578.35 गिवन r की वैल्यू है 1.5 × 10^11 रख दिया आपने, तो जो वैल्यू सॉल्व करके आती है वो किसके बराबर आ जाती है, 2.58 × 10^9 मीटर, यानी इतनी आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1.5 × 10^11, तो ये सॉल्व करके 2.5 × 10^8 मीटर आएगी। तो ये डिस्टेंस है, मतलब सॉल्व करने का तरीका कैसे लगाया जाता है वो आपने देखा। आइए अब देखते हैं कि एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट की वजह से किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। पॉइंट मास की वजह से देख लिया, एक्सटेंडेड मास मान लीजिए एक रिंग है जिसका मास एम है, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है चार्ज्ड रिंग की वजह से, ऐसे ही यहाँ पर भी। तो यहाँ आप देखते हैं कि अगर हम इसके इस मास को मान लें डी एम, छोटा सा मास, तो रिंग के हर पार्ट को डी एम मास से मिलकर बना हुआ टोटल एम माना जा सकता है, ये एम किसके बराबर, सारे डी एम का सम।
और इस डीएम को अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पी से ज्वाइन कर दूँ तो ये जो आर है ये आर किसके बराबर होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द रिंग। तो अब इस डीएम मास की वजह से पी पर पोटेंशियल मान लिया अगर डीवी है तो डीवी का फार्मूला क्या होगा, माइनस जी डीएम बाई आर, फार्मूला तो वही है, उसमें अगर डीवी है तो यहाँ पे डीएम कर दिया गया। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो नेट पोटेंशियल कैसे आ जाएगा, माइनस जी बाय आर, और इस नेट इंटीग्रेशन डीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम। बस ये है पोटेंशियल की पी पर वैल्यू ड्यू टू होल रिंग। हाँ अगर एक्स बहुत छोटा है आर के इस आर के कंपैरिजन में तो हम क्या करेंगे, अगर आर से एक्स बहुत छोटा है यानी कि एट द सेंटर चले जाएं, अगर हम एक्स को मान लें कि यहाँ पर एक्स ज़ीरो है तो हमारे पास वी एट द सेंटर इसके बराबर हो जाएगा, वी एट द सेंटर माइनस जी एम अपॉन आर। और अगर एक्स बहुत बड़ा है आर से कि आर को हम नेग्लेक्सबल कर सकते हैं तो हमारे पास नेग्लेक्ट करने पर क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू माइनस जी एम बाई एक्स एट द एक्सिस। इस तरीके से आज हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है और उसके बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस की वजह से, एक्सटेंडेड मास की वजह से हमने कैलकुलेशन बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।